आदमी सुख के पीछे दौड़ रहा है मगर खुश नहीं है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। सिकंदर पूरी दुनिया पादाक्रांत करना चाहता था, एक के पीछे एक देश पादाक्रांत कर रहा था। भारत देश पादाक्रांत करने के समय आते वक्त एक जंगल में उसको एक साधु ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। बोले मैं भारत देश पादाक्रांत करना चाहता हूँ, वहाँ से लंका पादाक्रांत करूँगा और वहाँ से फिर मैं जर्मनी में जाके फिर आराम से जीऊँगा, समाधान से जीऊँगा। साधु उसको पूछता है कि क्या गारंटी है कि तुम ये सब देश जीतने के बाद में घर पे वापस जाओगे, सेफ जाओगे और वहाँ जाके फिर आराम की ज़िंदगी जियोगे, उसकी क्या गारंटी है। बिल्कुल करूँगा, ऐसा बोला। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत देश जीतने के बाद में जब वो लौट रहा था तो बीच में उसकी मृत्यु हो गई। हम ऐसा जीते हैं कि एक दिन, वन डे, सम डे, मंडे, एक दिन हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। आज की जिंदगी तो प्रैक्टिस है, आज तो ठीक नहीं चल रहा है, जो भी है वो कल। मगर आप जहाँ हैं वहीं सुख है, वहीं शांति है, मगर वही हमको मालूम नहीं। एक भिखारी था, 35 साल एक जगह बैठ के उसने भीख मांगी। नेचुरली वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सब लेटरिन बाथरूम करना, तो उसने ऐसा एक बड़ा सा एरिया अपना बना लिया था और वहीं वो सब कुछ करता था और वहीं बैठे बैठे भीख मांगता था। काफ़ी साल हुए मरने के बाद में वो भिखारी की डेड बॉडी, उसको कोई नहीं था, डेड बॉडी जाके लोगों ने जला दिया। लोग बोले भी ये एरिया साफ सुफ करते हैं, तो लोगों ने साफ सुफ करने के लिए लिया, थोड़ा सा खोदा तो नीचे बहुत सारी संपत्ति मिली। भिखारी जहाँ खड़ा था वहीं बहुत सारी संपत्ति थी जो उसको मालूम ही नहीं था, और वो पैसा 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 करके भीख मांगते रहा। हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं, हम बाहर खुश मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी वो ढूंढते हैं, बाहर कुछ तो भी होगा वो ढूंढते रहते हैं, और जहाँ हम हैं वहीं खुश नहीं है। हम अटक क्यों जाते हैं? अटक इसलिए जाते हैं कि जो भी हो रहा है उसको हम मीनिंग देते हैं, उसको हम महत्व देते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं और वहाँ अटक जाते हैं। यदि हमने वो छोड़ दिया कि भाई क्या अर्थ है, कोई भी चीज़ हो रही है उसमें, जो हो रहा है उसको कोई अर्थ नहीं है, ये जिंदगी अर्थ रही तो खाली है। यदि वो हमको पक्का मालूम है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जिंदगी में कुछ अर्थ नहीं है, जो अर्थ दे रहे हैं वो मैं दे रहा हूं, ये जब मुझे क्लियर हो जाता है तब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब मैं फ्री हो जाता हूं, मेरा फ्रीडम हो जाता है। देखो कहां भी हम अर्थ लगाते तो हमको डर है, हमको भय है, हमको डर है, हमको गुस्सा है, हम अपसेट है, इनसिक्योरिटी है। क्यों है सब ये? क्योंकि हमने कुछ तो मीनिंग लगाया हुआ है, मीनिंग ही निकाल दिया, अर्थ ही निकाल दिया, तो ना हमें टेंशन रहेगा, ना हमें क्रोध आएगा, ना गुस्सा आएगा, ना नर्वसनेस, ना चिंता, ना अपसेट, ना कुछ, शांति का जीवन होगा, एकदम बढ़िया जीवन होगा। मगर हम अर्थ देते रहते हैं और वहाँ से परेशानी हमको आती रहती है। दो साधु सफ़र कर रहे थे, एक सीनियर था, बूढ़ा था, एक जवान साधु था। जैसे ही जंगल शुरू हो गया तो जो बूढ़ा साधु था उसके पास में थैली थी। बूढ़ा साधु जवान साधु को पूछता है, बोले जंगल में चोर तो नहीं है, कुछ करेंगे तो नहीं अपने को, जाना कि नहीं जाना रात के समय? तो जवान साधु बोले ठीक है, कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो चल निकले जंगल में। थोड़ी दूर जाने के बाद में वो जो बूढ़ा साधु था वो बोले कि मैं जरा टॉयलेट करके आता हूँ। और वो टॉयलेट करने गया तो जो जवान साधु था उसने देखा वो थैली में एक सोने की ईंट थी, सोने की ईंट थी। उसको समझ में आया इतना क्यों डर रहा था साधु, कभी नहीं डरने वाला साधु जंगल में जाने के लिए डर क्यों रहा था। तो उसने वो ईंट निकाल दिया, बाजू में रख दिया और उसके बदले एक सादी ईंट रख दिया उतने वजन की, जो उसको मालूम ही नहीं है। फिर वो टॉयलेट करके आ गया, दोनों चलना चालू हो गए, तभी भी वो डर रहा था कोई आया तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, ऐसा चालू था उसका।
जब वो उनके ठिकाने पे पहुंच गए, जब उसने देखा बूढ़े साधु ने, तो उसके थैली में की ईटी गायब थी सोने की। जैसे ईट गायब हो गई उसका भय गायब हो गया। बोले अभी कहीं भी जाओ, क्योंकि अभी उसको ईट, उसने पूछा मेरी इसमें तो सोने की ईट थी, वो कहाँ? बोले मैं तो वहां रख दिया जहां हम रुके थे, वहीं छोड़ दिया हमने, हम साधु हैं, हमको क्या काम है उसका। उसके नीचे उसने, उसके बदले उसने सादी ईट रख दिया। जब सादी ईट रख दिया, अभी क्या मतलब है? अभी तो कुछ भी मतलब नहीं सादी ईट को। जब तक उसको मतलब था तब तक उसको भय था, सोने की ईट थी तो भय था। बोले अभी कहीं भी चलो, अभी जंगल में जाओ, अभी कहीं भी घूमो, कुछ भी नहीं है, खोने का कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास में खोने के लिए कुछ रहता है तब हमको डर रहता है, तब भय रहता है, तब अपसेट है, तब एक्सपेक्टेशंस है। कुछ भी मीनिंग मत दो, फ्री रहो। फ्रीडम यदि आपके पास में है तो जीवन जीना बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन में मजा आएगा। हमारा ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर केड़केरे नाम का प्ले स्टोर से। उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स, अपॉइंटमेंट्स होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।